पेट्रोल पंप संचालक प्रशासनिक आदेश की कर रहे अवहेलना, बिना हेलमेट लगाए ही दोपहिया वाहन चालकों को दिए जा रहे पेट्रोल। मध्य प्रदेश में दोपहिया वाहन चालकों की एक्सीडेंट द्वारा बढ़ती घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा आदेश जारी किया गया कि सभी पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा बिना हेलमेट धारण किए दोपहिया वाहन के चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। वहीं सीधी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले भर के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित भी कर दिया गया था, लेकिन जिले भर में कई पेट्रोल पंप संचालक ऐसे भी हैं जो प्रशासनिक आदेशों को ताक पर रखकर पेट्रोल पंप संचालित कर रहे हैं। सीधी जिले के नेशनल हाईवे 39 में संचालित कई पेट्रोल पंप के साथ साथ जिले में कई अन्य भी ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो बगैर हेलमेट के लोगों को पेट्रोल मुहैया करा रहे हैं। यहां देखा जा सकता है कि पेट्रोल पंप पर आने वाले दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट लगाए ही पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सीधी पुलिस अधीक्षक ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि पेट्रोल पंप संचालकों के द्वारा नियमों का पालन न करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर सीधी पुलिस अधीक्षक का बयान भी सामने आया है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा है। हमारे कलेक्टर साहब ने 188 की निषेधाज्ञा लागू की है, और जो भी पेट्रोल पंप जिले भर में अगर कुछ इस तरह की अवैध गतिविधि कर रहा है कि बिना हेलमेट के अगर पेट्रोल सप्लाई कर रहा है, डीजल सप्लाई कर रहा है, निश्चित रूप से उसके खिलाफ आप हमारे पास जो भी सूचना आएगी या इसमें इस तरह की अवैध गतिविधि की कोई आपकी शिकायत आएगी तो हम उनके खिलाफ 188 की कार्रवाई करके निश्चित रूप से फूड ऑफिसर के थ्रू उनके पेट्रोल पंप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और उनके खिलाफ भी हम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।